सर ये वायनाड के बारे में क्यों हंस रहे भाई? मैं कुछ भी बोलता सांप भी हंसते हैं और आप भी हंसते हैं क्या? शहर शहर मन दुखी है मेरा, मैं हंस नहीं रहा हूँ। मैं सांप का तो मैं नहीं हंस रहा हूँ, मन दुखी है। सुबह पता लगाया तो कहा कि 2 दर्जन है, फिर पता लगाया नंबर और बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा कि सभी शक्तियां केंद्र की और राज्य की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सबके सब इस मामले में सक्रिय हैं। ठीक है। और देश में जहां भी विपत्ति आती है। ठीक है साहब, देखिए मैं सर ये तो मुझे तो पूरी जानकारी वहां की नहीं है, और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मिट्टी के ढेर में। अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे कितने लोग हैं। और इसके लिए वहाँ की जो महिला है हमारी MP सी, उसके पास जानकारी है और वो अपनी बात रखना चाहती है। मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप उसको अलाउ कीजिए, और जो चीज़ है जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, होम मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना वो बताएंगे, फलाना नहीं बताएंगे, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे। आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है, क्या मिलिट्री गई है, क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है, क्या पैसे का, पैसे का इंतजाम हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर्स का इंतजाम? कटाक्ष में पूरा समझ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मेहरबानी करके मर्यादित आचरण कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप इतना लाइट कर रहे हो, गंभीर मामला है। यही तो मुश्किल है, आपको अंदाजा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, सूर्योदय से पहले जो देश का नेतृत्व, जो मालूमात और मुख्यमंत्री इन्फॉर्मेशन आपके पास है, नहीं वो सरकार हम सबको देना चाहिए। आप रेफर करें, बैठिए आप ये कह रहे हैं कि आपके एक सदस्य को बोलने दू, यही कह रहे हैं ना? ऑल यू आर सेइंग इज जस्ट सी विल स्पीक। आई हैव हर्ड इट, प्लीज प्लीज आई हैव हर्ड इट।